नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की श्री कृष्ण गौशाला से, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिजी कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो पहुंचे हैं करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में देखने के लिए कि आखिर भारत के अंदर जो गौशाला है वो किस तरह से संचालित की जाती है। यहाँ पर करनाल नगर निगम की जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और फिजी के जो एम्बेसडर हैं वो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ पहुँचे हैं। समाजसेवी ब्रिज गुप्ता भी हैं साथ में। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल की श्री कृष्ण गौशाला से आप देख रहे हैं, जो कि जनकपुरी रोड पर बनी हुई है और यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर जो गौशाला है किस तरह से संचालित की जाती है। करनाल नगर निगम की जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता, वो यहाँ पर पहुँची हुई और तिलक लगाकर देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है। आज होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के दिन तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है मेहमानों का। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीरें करनाल के श्री कृष्ण गौशाला से आप देख रहे हैं, जहाँ पर फिजी के जो एम्बेसडर हैं वो पहुँचे हैं और भारत और फिजी के जो संबंध हैं वो किससे छुपे हुए नहीं हैं। काफ़ी नज़दीक से जो भारत और फिजी हैं एक दूसरे को समझते हैं और उसी के चलते आप जो फिजी के एम्बेसडर हैं वो पहुंचे हैं करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। करनाल नगर निगम की जो मेयर हैं वो बात करती हुई नज़र आ रही हैं फिजी के जो एम्बेसडर हैं उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, बेटी के साथ। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आज होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। IBN24 आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता है। और आप देख सकते हैं कि करनाल नगर निगम की जो मेयर हैं, एम्बेसडर हैं, जो उनकी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं और हिंदी में आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बोलते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। और कमलेश एस प्रकाश हैं, जो कि बता रहे थे अभी कि 142 वर्ष पहले जो इनके पूर्वज हैं वो हिंदुस्तान से गए थे, तो यानी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी परंपरा आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे परिवार में है। 142 वर्ष पहले बता रहे हैं कि कमलेश एस प्रकाश, जो कि हाई कमिश्नर हैं फिजी के, रिपब्लिक ऑफ फिजी के, और अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि गऊओं को फिलहाल जो गुड़ है खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत की अपनी परंपरा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। एक मिनट जी, आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखिए भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीरें करनाल से देख रहे हैं आप, करनाल के श्री कृष्ण गौशाला से आप देख रहे हैं, जहां पर फिजी के जो हाई कमिश्नर हैं कमलेश एस प्रकाश, वो पहुंचे हैं करनाल और करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में आप देख सकते हैं कि गऊओं को गुड़ खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर अभी बात भी करेंगे उनसे। बताया जा रहा है कि 142 वर्ष साल यानी कि 142 वर्ष पहले जो कमलेश एस प्रकाश है, इनका परिवार फिजी जाकर बस गया था, यानी कि जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं भारत के ही हैं। और गऊओं को यानी कि जो कृष्ण गौशाला है, यहाँ पर लोग चारा खिलाने के लिए आते हैं, गुड़ खिलाने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कि गऊ माता भी किस तरह से यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्यार मेहमानों को देती हुई, और गऊओं के प्रति जो आस्था है इस देश की वो किससे छुपी हुई नहीं है। गऊ को हम माता कहकर बुलाते हैं। आप देख सकते हैं करनाल नगर निगम के जो मेयर हैं वो भी गऊओं को गुड़ खिलाते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। भारत के लिए एक अच्छा क्षण कि फिजी के जो हाई कमिश्नर हैं वो करनाल पहुँचे हैं और गुड़ खिलाते हुए फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं। कमलेश एस प्रकाश है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँची हैं और आप देख सकते हैं कि फिजी के जो हाई कमिश्नर हैं वो अपनी पत्नी के साथ जो चारा है वो गऊओं को खिला रहे हैं, यानी कि हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था है वो आप देख सकते हैं कि चाहे 142 वर्ष पहले ये लोग फिजी चले गए थे, लेकिन किस तरह से जो हिंदू धर्म है वो अभी भी कहीं ना कहीं मन के हर कोने में बसा हुआ। और ये देखिए तिलक लगाया गौ माता को, ये देखिए पूजा भी कर रहे हैं साथ साथ। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। मैं आपको बता दूं कि फिजी जो कंट्री है उसकी जो आबादी है सिर्फ 10 लाख है, और ऐसे में 10 लाख की आबादी के जो
देश है उसके हाई कमिश्नर करनाल पहुंचे हैं। हालांकि भारत में ही रहते हैं क्योंकि फिजी की ओर से इनका जो रिक्रूटमेंट है वो भारत में किया गया है, और बता रहे हैं कि 142 वर्ष पहले जो इनका परिवार है वो हिंदुस्तान से ही फिजी मूव हुए थे, और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के आसपास के रहने वाले हैं। अभी बात भी करेंगे उनसे, सुनवाएंगे आपको कि क्या कुछ कहते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीरें समय करनाल के कृषि श्री कृष्ण गौशाला से आप देख रहे हैं, जहां पर गऊओं को चारा खिलाते हुए तमाम जो परिवार है श्री कमलेश एस प्रकाश का वो नज़र आ रहा है। तो श्री कृष्ण गौशाला में मैं आपको बता दूँ कि गऊओं की सेवा कर कर लौटे जो श्री चंद्र एस प्रकाश है उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 142 वर्ष पहले आपके पूर्वजों ने हिंदुस्तान छोड़ा था, आज आप करनाल के अंदर हैं, गौ माता की पूजा की है। जैसा कि आप समझते हैं कि गऊओं को तो भारत में पूजा जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम होली के दिवस पर सभी भारतीय नागरिकों को, हमारे भाई बहनों को सादर प्रणाम, हैप्पी होली। आपने जैसे कहा कि 142 ईयर्स बाद हम यहाँ पर तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी आए हुए हैं, तो हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई आकर के। हमारे ननिहाल हैं, हमारे आजी आजा इसी प्रांत से गए थे, नानी नाना पंजाब से थे, आजी आजा यूपी से थे, मुजफ्फरनगर इलाके से, तो वो रिकनेक्शन हो रहा है और हम वहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, तो हमको जैसे लगता है कि हम घर ही वापस आ गए, तो ये बहुत खुशी की बात है। उससे और खुशी की बात यह है कि आज होली के दिन हमको एक कृष्ण गौशाला में आने का अवसर मिला करनाल में, मैं अजी के साथ, बहुत सारे दोस्त जो हम बनाए हैं कल उनके साथ, हमारे फैमिली, मैडम माला प्रकाश जी है, हमारी बच्ची विशाखा प्रकाश जी है। तो गौशाला में आकर के गौ सेवा कर करके बहुत आनंद मिला। गौ हमारे पूर्वज हमको बताए हैं हमारी माता है, तो आज माता का सेवा हुआ। धरती हमारे पूर्वज बताए थे धरती माता है, गौ के द्वारा हमने धरती माता को भी आज सेवन दिया। और गौ माता और धरती माता के साथ साथ स्वयं हमारी माता जी का भी सेवन हुआ, दर्शन भी हुआ यहाँ पर। तो ये बहुत खुशी की बात है, ये जो प्रथा हमारे पूर्वज लेकर फिजी में गए थे, वो रकम रकम तौर से विभिन्न जगहों में भी आज भी दिखलाई जाती है। और बहुत खुशी हुई कि भारत के लोग इस सारे विश्वास को, रस्म रिवाज को लेकर के चले हैं, हम आपसे कहीं पीछे नहीं छूटे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दोनों देशों सरकारों का और जो लोगों की जनता है उनकी जो संबंध रहेगी, ये सारे संस्कारों द्वारा और अनेक जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं इस देश में, उसके द्वारा और स्ट्रॉन्ग होगा। सर, हिंदुस्तान और फिजी के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, किस तरह से देखते हैं भारत और फिजी के संबंधों को? जी, हमारा रिलेशनशिप तो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत लंबी है। जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो अभी कुछ सालों में और स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही है। अभी हम 18 तारीख को अपना क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट किए थे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी ने बहुत ही क्लियर शब्द में कहा कि हमारी जो दोनों देशों का संबंध है बायलेटरल, वो आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग है और मजबूत होता जा रहा है। और आज जहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपना ग्लोबल डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बना के रखे हुई है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, तीसरी नंबर का इकोनॉमी है लगभग दुनिया में, और बहुत ज़ोरों से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है आगे भी जाएगी। और आज के दिन में कोविड काल में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुकी है, इसकी तरह अनेक जो है कदम और इम्प्रूवमेंट्स और ग्लोबल लीडरशिप भारत दिखाई है, तो उसके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है राष्ट्रपति जी से भी कि जो हमारे अनेक कॉमन ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसमें भारत सरकार फिजी सरकार के साथ में खड़ी हुई है,
इससे सुंदर बात और कोई नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हाई कमिश्नर फिजी के श्री चंद्र एस प्रकाश, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक बार बात करते हैं। मैम, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इंडिया आकर गौशाला में आए हैं? कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है उसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। बहुत अच्छा लगा, अपना ऐसा लगा कि अपने ही घर पर आए हैं, तो बहुत खुशी हुई सभी से मिल के, गौ सेवा करके। और हमारे सभ्यता संस्कृति, जैसे ने हिस्से ने कहा कि हम लेकर गए थे, हमारे पूर्वज लेकर गए थे, तो उसी तरह, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू वेरी मच। मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया को लेकर? अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, आई फेल्ट लाइक होम। सॉरी, एनीवेज, या थैंक यू, इट्स अमेजिंग, आई फेल्ट लाइक होम, स्पेशली ऑन द डे ऑफ होली, व्हेन यू रियली लाइक वांट टू बी क्लोज टू होम, दिस इज द प्लेस टू कम टू। थैंक यू। तो ये करनाल नगर निगम की मेयर है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे फिजी के जो हाई कमिश्नर हैं, अपने आप में कहीं हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था है वो देखने को मिली कि 142 वर्ष बाद भी आज भी परिवार उसी आस्था में है। बिल्कुल, ये फिजी के यहाँ से आए थे और ये दो दिन से यहाँ आसपास के एरिए में अपने घूम रहे थे, तो कल यहाँ ये महाराज जी से मिले, जहाँ इन्होंने इच्छा जताई कि हम कुछ नया देखना चाहते हैं अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ। आज यहाँ पर ये गौशाला में होली के उत्सव पर आए हैं। सर्वप्रथम मैं सभी करनालवासियों को आपके माध्यम से होली की बहुत बहुत बधाई देते हुए भगवान से कामना करती हूँ कि इस होली पर सबके गिले शिकवे मिट जाएं, सब खुश रहें और सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और जिस तरह से कमलेश प्रकाश जी ने बताया कि एक फिजी एक खूबसूरत सा आइलैंड है, और उस आइलैंड से 142 साल बाद आना और आकर अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना, ये भारत के लिए गौरव की बात है कि इस तरह की संस्कृति का प्रचलन विश्व में सभी जगह है। और जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं वो चाहते हैं कि भारत में आकर एक बार जाकर वहाँ की सभ्यता का दर्शन करें। होली का विशेष पर्व है और इन सब पे आने पर मैं इनका आभार व्यक्त करते हुए स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि इस तरह अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, जब ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की बातें करेंगे तो हमारी संस्कृति का और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। आज यहाँ गौशाला के बाद इन्होंने कुरुक्षेत्र का भी गीता म्यूज़ियम को भी देखा, वहाँ के भी हमारे जगह जगह पर घूम कर इन्होंने अपनी मेमोरीज़ का कलेक्ट किया है, और वो मेमोरीज ये कहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करेंगे, और मुझे लगता है इससे हमारे संबंध और ज़्यादा मधुर होंगे। धन्यवाद। ये थी करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिन्होंने कहा कि फिजी और भारत के संबंध आपस में कहीं छूटे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं भारत और फिजी के जो संबंध हैं वो देखने को मिले। जो राजनायक हैं, हाई कमिश्नर हैं फिजी के, आज करनाल पहुँचे और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी बताया, और बताया कि किस तरह से उनकी जो आस्था 142 वर्ष बाद भी, परिवार चाहे यहाँ से जा चुका है लेकिन उनकी आस्था अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कम नहीं हुई। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें समय करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर फिजी के हाई कमिश्नर चंद्र एस प्रकाश अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचे थे, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात को भी रखा और कहा कि भारत और फिजी के जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और हमें उम्मीद है कि भारत आगे भी हमारे साथ यूं ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।